So today we will discuss the examples of the chapter number 8, Introduction to Trigonometry chapter. हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया था, एक ही वीडियो में सारी डिस्कस कर ली थी. अभी प्रेजेंटली हम क्या करेंगे, जो इसके एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. तो पहले आरडी शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डायरेक्ट जंप करने से पहले हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स गेन करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. देन वी विल गो फॉर द टफ टफ क्वेश्चंस. सो टुडे द क्वेश्चन इज tan a इज इक्वल टू 4/3. ये एग्जांपल नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का. सो वी आर गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3. तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इसमें निकालने हैं. सो बिफोर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. फिर आपको इधर क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है. तो यू हैव टू कंसिडर द एंगल a, बाकी का नाम आप कुछ भी रख लो, ठीक है. अब ये एंगल a रहेगा, तो हमने जैसे पढ़ा था a का ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. So, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि a का ऑपोजिट वाला क्या रहेगा, p. a जिस पे रेस्ट कर रहा है वो क्या रहेगा, b. और a 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या रहेगा, h. ये तीनों आपको मिल गया. नाउ आपको हमको पता है कि जो tan a होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इट विल बी 4/3. अब यहां देखो, अगर लेट P इज इक्वल टू 4K, अगर मैं P को क्या लेता हूँ 4K, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए B क्या बन जाएगा, देन B इज इक्वल टू 3K. मतलब 4K मैंने अगर P को लिया, B को मैंने अगर 3K लिया, तभी जाके K के कट के हम लोग का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3. नाउ हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कहां से निकलता है हमारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग h निकालने के लिए जाएंगे, सो p वैल्यू पी स्क्वायर विल बी 4k होल स्क्वायर एंड b विल बी 3k होल स्क्वायर. सो वी गेट 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और अंडर रूट 25k स्क्वायर और वी गेट 5k. सो h वैल्यू इज 5k. ओके, नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो देखो हमारा cot a तो सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि cot a इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan a. सो अगर tan a 4/3 है तो cot a क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan a. तो रेसिप्रोकल ऑफ tan a मतलब ये कितना हो गया, 3/4. ये तो एक निकल गया. अब बचा आपके पास sin a निकालना है एंड cos a निकालना है. ये दोनों निकाल दिए तो साइन ए का रेसिप्रोकल कौन हो जाता है हमारा, कोसेक ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन हो जाता है हमारा, सेक ए. सो साइन ए कितना हो जाता है हमारा, पी बाई एच. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, वी हैव पी एस 4k. सो पी का वैल्यू 4k, एच का वैल्यू कितना है 5k. सो के कैंसल्स आउट, वी गेट द रेशियो 4/5. इफ साइन ए इज 4/5, कोसेक ए विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. So it will be 5/4. Then cos A. Cos A is B by H. So B is 3K. So 3K by H is 5K. KK cancels out. We get 3/5. So sec A will be the reciprocal of cos A. So 1/cos A is equal to, if it is 3/5, so sec A will be 5/3. तो ये क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि आपका जो एंगल ए है उसके करिस्पॉन्डिंगली आपको पी बी एच लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियरली ये निकल जाएगा. सो आगे हम लोग इसका एग्जांपल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. सो वी विल ट्राई टू